My name is enjoyment and danger. मैं अभी 19 साल का हूँ, पर जब ये घटना मेरे साथ हुई तब मैं बहुत छोटा था, मैं बस 8 साल का था। To give you about my house back layout, तो मेरे घर पे मल्टीपल विंडोज थे, डोर्स थे, और अब हम चलते अपने किचन की ओर। किचन में भी मल्टीपल डोर्स थे और विंडोज थे, और किचन से अटैच था हमारा बैक डोर जो किसी को भी घर में अंदर आने से रोक सकता था। हमारा बैक डोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उस दिन मेरी मम्मी रात को डिनर बना रही थी और मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मेरी बैक अपने पीछे वाले विंडो को फेस कर रही थी, तभी मैंने अपने पीछे वाले विंडो से कुछ मेरे मिरर पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखा। मुझे लगा कि मेरे पापा घर पर आ गए हैं। मैंने तुरंत मम्मी से फेस करते हुए बोला, मम्मी मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी ने बोला, नहीं अभी तुम्हारे पापा नहीं आए हैं। मैंने बोला नहीं, वो हमारे पास ग्राउंड में हैं। मेरी मम्मी शॉक हो गई। मेरी मम्मी मेरे पास आई और जो जहाँ मैंने पॉइंट किया था, जिस विंडो से वो रिफ्लेक्ट हुआ था, उन्होंने वहाँ देखा। मेरी मम्मी को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया जब उन्होंने विंडो की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि एक साइकोटिक आदमी हम पे घूरा जा रहा है। उसकी आँखें जैसी खूब डरावनी, उसकी स्माइल भी काफ़ी क्रीपी थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मेरी मम्मी ने बोला, व्हाट आर यू डूइंग इन माय प्रॉपर्टी, गो फ्रॉम हेयर। वो कुछ नहीं बोला, बस वो हमें स्टेयर किए जा रहा था अपनी डरावनी स्माइल के साथ। मेरी मम्मी ने बोला, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, चले जाओ, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और जब उसने बोला, वो आज भी मुझे क्रीप आउट करता है, मुझे बहुत डराता है। उसने कहा कि अगर तुमने फ़ोन भी बाहर निकाला तो मैं ग्लास तोड़ दूंगा, घर के अंदर आ जाऊंगा। मेरी मम्मी काफ़ी डर गई थी। मेरी मम्मी को लगा, व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। वो आदमी भी सोच रहा था कि मेरी मम्मी थोड़ी डर गई हैं क्या, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी नहीं डरी थी। उसे ये भी लग रहा था कि मेरी मम्मी ना डरी हो और उनके पास कोई वेपन भी हो जो उसे हार्म कर सकता हो। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि उसके पास कौन सी वेपन होगी, मैंने तो बहुत लोगों को मार चुका है। वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने मेरे लोग के बैक डोर के पास गया। लकीली बैक डोर लॉक था। वो चीखा चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो यही रिपीट करते रहा। वो तब तक रिपीट करते रहा जब तक मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। वो बस ये बोलते रहा। मेरी मम्मी ने बोला, चले जाओ तुम यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम। तब उसने गुस्से में आके अपनी पॉकेट नाइफ निकाल ली। उसने बोला कि अगर तुम मुझे घर में आने नहीं दोगे तो मैं कुछ रास्ता निकाल लूँगा घर में आने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे तुरंत पिक किया, मुझे तुरंत गोदी में उठाया और वो सीधे मुझे ऊपर लेते हुए चली गई अपने नेक्स्ट फ्लोर पे। तभी हमारे डोर का, हमारे हाउस का एक डोर खुला। वहाँ से मेरा मामा, मेरे मम्मी का यंगर ब्रदर निकल रहा था। मेरे भाई, मेरे मामा को कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। ही वॉज प्रोबेबली इन्जॉइंग द म्यूज़िक। मेरे मामा ने अपनी हेडफोन निकाली। वो मेरे मामा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो एक जिम ट्रेनर थे, उनके पास खुद का जिम था। मेरी मम्मी ने बोला कि कोई तो नीचे है जो मुझे परेशान कर रहा है। तभी नीचे से कुछ आवाज़ आई। वो बोला, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, मैं तुम्हें ढूँढ के मार दूँगा। हा हा हा, वो ये बोला, मैं तुम्हें ढूँढ के ले आऊँगा। हा 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 हा। मेरे भाई भी काफ़ी डर के कि कौन आ गया है। मेरे भाई ने हम लोग को बोला, पहले तो मैं बहुत डर चुका था। उसने बोला, द बोगी मैन हैज कम टू कैच यू। हा 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 हा। वो यही बोलते रहा। मेरे मामा ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग पुलिस को कॉल लगाओ, मैं उसे देख लेता हूँ। मेरा मामा उसे ही कैच करने के लिए चला गया। मेरी मम्मी ने पुलिस को कॉल किया। करीब 10 मिनट तक नीचे हल्ला होते रहा। हाँ, पुलिस आई। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। पुलिस ने देखा कि मेरा मामा उस बोगी मैन को मार रहा है। पुलिस ने बताया कि इसका नाम बोगी मैन है, ये बच्चों को मार देता है और उनका खून पी जाता है, और ये तुरंत जेल से भागा था। इसे पकड़ने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मेरे मामा नहीं होते तो आप सोचिए क्या होता।